हेलो स्टूडेंट, लेट सी दिस क्वेश्चन। एफ एक्स गिवेन है रूट अंडर वन प्लस पी एक्स माइनस का वन माइनस पी एक्स, और बाय में एक्स दे रखा है, और एक्स लेस देन जीरो है और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन है, और दे रखा है टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू जब एक्स लेस देन इक्वल टू वन है और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। कंटिन्यूस इन द इंटरवल माइनस वन से वन के बीच में जो है ना, ये एफ एक्स अपना कंटिन्यूस है, देन पी का वैल्यू बताना है किसके बराबर आएगा। बच्चों यहाँ पे देखें तो अपना एफ एक्स क्या दे रखा है, कंटिन्यूस दे रखा है, इसके बीच में माइनस वन से वन के बीच में। बच्चों अपन यहाँ पे अगर जीरो पे अगर अपन कंटिन्यूटी प्रूव कर देंगे तो यहाँ पे इस इंटरवल में ये कंटिन्यूस हो जाएगा और इस इंटरवल में भी कंटिन्यूस हो जाएगा। तो अपन अगर एफ जीरो निकाले तो एफ जीरो किसके बराबर आ रहा है, एफ जीरो तो मतलब एफ जीरो इस वाले इंटरवल में आएगा, तो जीरो रख देंगे तो ये माइनस ये जीरो प्लस का वन वन आ जाएगा और माइनस का निगेटिव टू आ जाएगा, तो ये वन बाई टू आ रहा है। अब अपन आर एच एल निकालें लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस पे, यहाँ पे ये आ जाएगा टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू, तो यहाँ से इसकी भी वैल्यू कितनी आ रही है, जब जीरो प्लस रखेंगे तो ये जीरो और ये भी जीरो, तो माइनस वन बाई टू आ रहा है, ठीक है ना। तो अपना आर एच एल इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ जीरो के बराबर आ गया, ठीक है ना। जो है ना ये जो अपना क्या लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी इसके बराबर होना चाहिए, तो अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो अपना लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो निगेटिव, ये अपन को गिवेन है वन माइनस वन प्लस पी एक्स पी एक्स, और माइनस का वन माइनस अपन को यहाँ पे गिवेन है पी एक्स, ठीक है, और नीचे दे रखा है एक्स। अब जो है ना जब अपन एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये ऊपर ये वन आ जाएगा और माइनस का वन, तो ये ऊपर तो जीरो बन रहा है, ये भी जीरो बन रहा है, मतलब जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा है। तो अपन क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वन प्लस पी एक्स प्लस का वन माइनस पी एक्स, और डिवाइड में आ जाएगा अपना वन रूट अंडर वन प्लस पी एक्स और प्लस का रूट अंडर वन माइनस पी एक्स, ठीक है। यहाँ से देखें तो अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस पे, जीरो निगेटिव पे ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो वन प्लस का पी एक्स आएगा, ठीक है ना, और यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी दे रखा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस का ये वन हो जाएगा और प्लस का पी एक्स आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे आ रहा है अपना x इंटू वन प्लस पी एक्स प्लस का रूट अंडर वन माइनस पी एक्स, ठीक है। अब जो है ना यहाँ पे देखें तो अपन आप जो है ना x इक्वल टू अभी भी ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा है, तो अपन यहाँ पे देखें तो इस एक्स को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, ये वन वन तो कैंसिल ही हो गया, यहाँ पे भी ये एक्स कैंसिल हो जाए, तो अपन आप जो है ना एक्स इक्वल टू जीरो रख सकते हैं, तो ऊपर आ रहा है अपना टू पी और नीचे ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, तो रूट अंडर वन प्लस रूट अंडर वन हो जाएगा और टू के बराबर, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है अपना पी के बराबर, तो अपना लेफ्ट हैंड लिमिट पी के बराबर आ रहा है, और अपना राइट हैंड लिमिट किसके बराबर है, माइनस वन बाई टू, ये सारे इक्वल होने चाहिए, तो मतलब पी भी जो है ना माइनस वन बाई टू के बराबर होना चाहिए। यहाँ से बोलते हैं अगर पी माइनस वन बाई टू है तो ये जो है ना कंटिन्यूस है इस इंटरवल में, ठीक है ना। अगर पी का वैल्यू माइनस वन बाई टू है ना, तब जाके ये एफ एक्स कंटिन्यूस है माइनस वन टू वन में। बच्चों यहाँ का पी का वैल्यू क्या आ गया, माइनस वन बाई टू, तो अपना सेकेंड ऑप्शन में गिवन है तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है।